वेलकम टू आवर चैनल झारखंड अब तक न्यूज। झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और आज आपको बताएंगे कि बैरागढ़ प्रखंड के किस क्षेत्र में बच्चों ने स्कूल विलय के खिलाफ रैली निकाला है। साथ ही साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कंचन दास जो पारा शिक्षक थे उनके मौत के बाद श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। लेकिन सबसे पहले आपको हम आज दिखाएंगे दुमका से तस्वीरें हैं कि दुमका में कितनी ज्यादा ठंड के बाद और बारिश से हो रही है पूरे झारखंड के इलाके में साइक्लोन का, इसके बावजूद भींगते हुए बड़ी संख्या में लोग आज सड़कों पर निकले हैं। लुईस मारंडी के घर के बाहर कंचन दास की मौत हो गई थी ठंडा लगने के कारण। और इसके बाद खबर ये भी आई थी कि कुछ दिन पहले ही लुईस मारंडी अपने घर से बाहर निकली थी और वहां पर धरना दे रहे पारा शिक्षकों को कहा था कि हम अपने घर का पानी तक आपको नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये पूरी सूत्रों से हम तक खबर है और ये बता दें कि लगातार हम तक लोग बड़ी संख्या में वीडियो भेज रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई वीडियो होगा तो आप 9431156794 पर जरूर भेजिएगा आपके नाम के साथ, हम उसका प्रसारण करेंगे। कंचन दास की मौत हो जाने के बाद विभिन्न पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक ने भी अंदरूनी हिसाब से मोर्चा खोल दिया है और अब ठंड में झारखंड का तापमान काफी बढ़ गया है, यानी कि शीतकालीन सत्र काफी गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं आज भी। लेकिन बातचीत का कोई सिलसिला शुरू नहीं हो पाया सरकार की ओर से। हम आगे पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरी तस्वीर दिखाएंगे। उसके पहले सीधा लेकर के चल रहे हैं आपको दुमका। ये बलियापुर आनंद कर्मकार है धनबाद के, उन्होंने वीडियो शेयर किया हम तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दुमका में बड़ी संख्या में लोग आज जो है वो रैली में नजर आए हैं और सारे लोगों ने ही कहा है कि सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए उनके साथ में। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, देखिए आप तस्वीर को। शिक्षा सचिव मुर्दाबाद, शिक्षा सचिव मुर्दाबाद, सरकार होश में आओ, क्षेत्र से यह भी खबर है कि और भी पारा शिक्षक की आर्थिक तंगी के चलते मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि आप भी अपने क्षेत्र की वीडियो हम तक भेज सकते हैं और आपका सबसे लोकप्रिय चैनल पर हम उसको जरूर दिखाएंगे। अब आपको हम बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में मोमबत्ती जलाकर पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षकों ने कंचन दास की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और कहा है कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, पारा शिक्षकों को उनका हक मिल करके रहेगा। अलग अलग क्षेत्र में भी आज पारा शिक्षक की जिनकी मौत हो गई है उन्हें श्रद्धांजलि देकर शोक संवेदना प्रकट की है और अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी
आज ये जता दिया है कि इस मुद्दे में वो पारा शिक्षकों के साथ है और इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। सरकार के अंदर भी अब तेवर कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि ये सरकार की जो नीति है चुप रहने वाली, ये उल्टा पड़ जाएगा चुनाव के समय में। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम आपको अब दिखाते हैं बहरागोड़ा प्रखंड में चित्रेश्वर गांव है, जहां पर स्कूल विलेज हो रहा है कि टीचर की संख्या कम की जाए, जितना कम टीचर होगा उतना अच्छा होगा। जो सरकार की योजना चल रही थी, इस पर भी अब सवाल उठ रहा है। हमारे पास कई व्यूअर ने खुद कॉल करके हमारे नंबर पे कहा था कि इसके लिए कोई वीडियो बनाइए। ये हम तक मानस है घाटशिला के, उन्होंने वीडियो शेयर किया है बहरागोड़ा प्रखंड का, चित्रेश्वर गांव के बच्चों ने कहा है, मुख्यमंत्री से अपील किया है कि आप कृपया विलय मत करिए, बच्चों को उसका बचपन लौटा दीजिए, क्योंकि अगर 12-14 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और जो सरकार का सर्वशिक्षा अभियान चल रहा है तो ये पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। देखिए तस्वीरों को, विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और जिस प्रकार से आप हमसे जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके पास भी कोई वीडियो होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा 9431156794 पर। उधर मौत हो जाने के बाद पारा शिक्षक का, पूरे झारखंड के सभी लोग काफी नाराज दिख रहे हैं और सरकार अभी तक बातचीत को आगे नहीं आ रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष जब मौके पर पहुंचे थे दुमका में, तो उन्हें लोगों ने वहां से खदेड़ दिया और कहा कि हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। और जो विपक्षी पार्टी के नेता थे उन लोग सारे वे सारे लोग वहां पहुंचे और तमाम चीजों को उन्होंने कहा है कि संवेदनहीन सरकार है। सुनिए सभी लोगों की बाइट। गली गंदर पूरा विपक्ष एक होकर इस मुद्दे पर इन सब जो वृत्त है इसको ड्रिप करते हुए उनको घेरने का ही नहीं, उनको जवाब देने पर मजबूर करेगी। और यह सत्र आपके लिए फलदायी हो, इसकी कामना मैं बाबा वाल्मीकिनाथ बाबा वैद्यनाथ से भी करता हूँ कि हम लोग एक नतीजे बताएं। और विपक्षी विधायक होने के नाते किसी मैं हमेशा कहता कि हमारे बीच में आप सबका बहुत योगदान है, बहुत कम मार्जिन सब कुछ है। आप लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है, आपका ऋण भी चुकाना बाकी है। शायद इस सत्र में मैं प्रयास करूंगा कि आपके किए गए उपकार के बदले कुछ मैं भी पुण्य कमा सकूं आपके लिए कुछ करने के लिए। क्योंकि मैं बेघर हूँ, मेरा घर छोड़े हुए 6 साल हो गया है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए आपको मजबूरन सड़क पर धरना दे रहा है, देना पड़ रहा है। इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम है लेकिन आप घर के हैं, हमारे भाई हैं, हमारी मजबूरी को समझते हैं। और हम कल आपसे आपके भाई से संगठन से आग्रह किया, आपने बात माना, बहुत कष्ट होता है कि सड़क पर आप हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति और मजबूत बनाती है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी असुविधा हो उसके लिए हम क्षमा करेंगे और जो चीज की जरूरत हो जरूर हमें बताएंगे। हम तन मन धन से आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि परिवार से भी मिली